Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़, मैं राशिद अली। देश की जनता अभी तक विजय माल्या के ही किस्से सुनाती थी, विजय माल्या का नाम लेती थी, जो कि भारत देश से उसको भगोड़ा घोषित कर दिया है। और अब एक और विजय माल्या हमारे सामने आ गया है, जो बीते दो दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देश की तमाम जनता उसके नाम ले रही है, देश की तमाम जनता उनके चर्चे कर रही है, देश की तमाम जनता जो कि उनके गुणगान गा रही है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला करने का मौका कैसे मिल जाता है और कैसे विजय माल्या एक वो था जो कि तमाम कर्ज लेने के बाद, देश का सारा पैसा लेने के बाद वो इतनी आसानी से देश के बाहर चले जाते हैं और फिर ना आने की बात कहते हैं। और इसी तरह ये दोबारा एक और विजय माल्या हमारे सामने आया है, जिसका नाम है नीरव मोदी। जी हाँ, नीरव मोदी का नाम सामने आने के बाद ही तमाम सवाल पीएम मोदी पर भी उठाने लगे हैं लोग। नीरव मोदी का रिश्ता जो कि पीएम मोदी से जुड़ने लगे हैं, मुकेश अंबानी से जुड़ने लगे हैं। बहरहाल, अब इनके रिश्ते किस किस के साथ हैं ये तो यही जाने, लेकिन ये तमाम देशवासियों को या कहें भारत देश को एक चपत, गहरी बड़ी चपत लगा के चंपत हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें 11,540 करोड़ रुपए लेकर, भारत देश से लेकर ये फरार हो गए हैं और बाहर जाकर ये अपना एक संदेश वाला कबूतर भेजकर देश को बोलते हैं कि मैं मात्र इतनी रकम अभी दे सकता हूं। आखिर देश का सिस्टम ऐसे लोगों पर कैसे मेहरबान हो जाता है जो इन्हें कुछ नामों को इतनी मोटी रकम अदा कर देता है, कैसे फर्जीवाड़ा हो जाता है, कैसे सिस्टम में तिगड़मबाजी होती है और कैसे ये घोटाला कर देश के बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर ये हमारे देश को झुंझुना दिखाते हैं। सोचने वाली बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और है जो यहां के निवेशकों को पड़ी है, जो कि पीएनबी बैंक के निवेशक है। निवेशकों पर भी पीएनबी घोटाले का असर, 9,500 करोड़ रुपए डूबे। एक आदमी जो कि बड़ी चपत लगा के गया, उसके बाद निवेशकों पर भी पीएनबी घोटाले का असर है। और इसमें ताजा अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं, नीरव मोदी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और अब तक कार्रवाई चल रही है। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक पुलिस भी चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि देश को झटका बड़ा इतना ही दिया इन्होंने, ना देश की सरकार और पुलिस दोनों की नाक में इन्होंने दम कर दिया है जब से मामला सामने आया है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये खबर इस पे मैं अभी बाद में आएंगे कि आखिर कार्रवाई क्या क्या हो रही है, उससे पहले मैं आपको एक और बड़ी खबर जो मैंने अभी आपको बताई, निवेशकों पर भी पीएनबी घोटाले का असर, 9,500 करोड़ डूबे। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के कारण पिछले 3 दिनों से स्टॉक में भारी गिरावट और ये 23.60% टूट चुके हैं। एक फोटो देख रहे होंगे आपके सिस्टम के आगे, निवेशकों के आगे गिरावट गिरने से कैसे युवक जो है सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ऐसी ही हालत उन तमाम निवेशकों की होगी जो कि इसके निवेशक हैं। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपए के महाघोटाले से आम निवेशकों पर भी असर पड़ा है। इस घोटाले में पीएनबी के साथ गीतांजलि जेम्स का नाम आने से दोनों कंपनियों के निवेशकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। घोटाले के बाद महज 3 दिनों में ही दोनों के निवेशकों के लगभग 9,500 करोड़ रुपए डूब गए हैं। जी हां, बहुत बड़ी रकम जो कि अब डूब गई है, इसका हर जाना उन लोगों ने भरा है जो इसके तमाम निवेशक हैं। पीएनबी का शेयर प्राइस पहुंचे 120 रुपए के आसपास। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले के कारण पिछले 3 दिनों से स्टॉक में भारी गिरावट है और ये 23.60% टूट चुके हैं। अकेले पीएनबी के निवेशकों के करीब बात करें तो 9,246.19 करोड़ रुपए डूब गए हैं। 12 फरवरी को पीएनबी का मार्केट कैप 39,178.17 करोड़ रुपए था, जबकि 16 फरवरी को यह कम होकर 29,932 करोड़ रुपए रह गया।
सीधा सीधा आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कि 12 फरवरी को 39,178.17 था और जिससे 39 से गिरकर वो सीधा 29 पर आ गया है। तो वहीं मैं आपको बता दूं, गीतांजलि स्टॉक 3 दिनों में 40% से ज्यादा टूटा है। इस तरह गीतांजलि एक और अलग है, लेकिन जो भारी असर पड़ा है, जो हम बात कर रहे हैं, वो इसकी नीरव मोदी, जो कि देश को, भारत देश को एक बड़ी चपत लगा के रफू चक्कर हो गए हैं। देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में उभर कर सामने आए जाने माने आभूषण कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी की कड़ी कार्रवाई जारी है। देश भर में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुंबई के एक शोरूम में कल से छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी अभी भी वहां मौजूद हैं। वहीं मेहुल चौकसी के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। मेहुल चौकसी ये नया नाम है, मैं आपको बता दूं मेहुल चौकसी कौन है। दरअसल जब नीरव मोदी बाहर से पढ़कर आए हैं और इनके फादर का भी यही बिजनेस था, बिजनेस में बड़ी गिरावट आई और उसके बाद ये बाहर से आके नौकरी करने लगे। मेहुल चौकसी इनके फादर के पिताजी के दोस्त हैं और उन्हीं के यहाँ नीरव मोदी नौकरी करने लगे और धीरे धीरे नीरव मोदी ने अपना वर्चस्व खड़ा कर लिया और आज ये दोनों पार्टनर बन गए थे। जी आपको बता दूं मैं, घोटाले की आधी रकम हुई जब खबर आ रही है। आपको बता दें पीएनबी घोटाले के खुलासे से एक दिन के भीतर ईडी 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की आधी रकम जब्त करने में सफल रहा है। गुरुवार देर शाम आरोपियों के की 5100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी कोशिश आरोपियों की अधिक से अधिक संपत्ति जब्त कर घोटाले की रकम बरामद कर रही है। जी हाँ, बरामद रकम मैं आपको थोड़ी सी और बता दूं कि आखिर और क्या क्या बरामद हुआ है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आरोपियों के मुंबई, सूरत, जयपुर, दिल्ली और हैदराबाद स्थित 17 ठिकानों पर छापा मारा गया। इस दौरान कुल 5100 करोड़ रुपए मूल्य की ज्वेलरी, सोना और हीरे जब्त किए गए हैं। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम जब्त की गई है। और मैं आपको बता दूं 5100 करोड़, इन सभी की वैल्यू जो है 5100 करोड़ रुपए इनकी बुक वैल्यू, यानी इनकी बाजार की कीमत कहीं से ज्यादा होगी। इनमें से अकेले हैदराबाद में 3800 करोड़ रुपए की ज्वेलरी, सोना और हीरे जब्त किए गए हैं। जयपुर में भी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी, सोना और हीरे मिले हैं जिनकी कीमत आंकी जा रही है। नीरव मोदी छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़े हीरा कारोबारी हैं। दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क इनके ज्वेलरी शोरूम हैं। और कई, मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि नीरव मोदी जब से देश से बाहर गए हैं तब से तमाम और आरोप लग रहे हैं और तमाम फिल्म जगत की हीरोइनें, जो कि मशहूर हीरोइन है, वो भी ये दावा कर रही हैं कि नीरव मोदी ने हमारे भी साथ घोटाला किया है, हमें भी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल को बता दें कि इतना बड़ा झटका देश को देकर गए हैं कि आखिर देश का सिस्टम इनके लिए कैसे काम कर लेता है। पीएनबी भारत देश का दूसरा सरकारी सबसे बड़ा बैंक है, जो कि आप इसके ब्रांचेस देखते होंगे, क्योंकि और इसमें पहले हमने देखा देश एक विजय माल्या से परेशान था, तो फिर आखिर ये दूसरे कहां से आ सकते हैं और इसकी क्या गारंटी है कि नीरव मोदी के बाद भी और माल्या सामने आते रहेंगे। इस देश में कितने और माल्या हैं जो ऐसे, इन्हें बार बार मौका मिलता रहेगा और ये बार बार घोटाले करके देश को, भारत देश को चूना लगा के रफू चक्कर हो जाएंगे और वहां से ये संदेश भेजते हैं कि मात्र हम थोड़ी सी रकम कुछ ही वक्त में लौटा देंगे। ऐसे कैसे मौका मिल जाता है इन्हें इसलिए मौका मिलता है ताकि इनकी साठगांठ ऐसी होती है। और तमाम इन पे आरोप लग रहे हैं जब से पकड़े गए हैं, जब से नीरव मोदी का नाम सामने आया और नीरव मोदी देश से फरार कहीं दूर आराम से चैन सुकून में बैठे हैं। लेकिन सारे देश, जो कि खासकर पीएनबी के निवेशक हैं, उनका ये चैन छीनकर बाहर चैन की नींद सो रहे हैं। उनका रातों का सुकून और दिन का चैन इन्होंने छीन लिया है। और आपको बता दें कि अब ना जाने अभी इसमें और कितने मामले उजागर आने बाकी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्हें मौका कैसे मिल जाता है और इस बात की क्या गारंटी है कि फिर कोई माल्या सामने नहीं आएगा, फिर कोई ऐसा घोटाला नहीं होगा, कि फिर कोई ऐसा घोटालेबाज
इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में हजारों करोड़ का घोटाला करके देश को चूना लगा के यहां से रफू चक्कर हो जाता है, सोचने वाली बात है। और तमाम व्यवस्थाओं पर उंगली उठाने वाली भी बात है कि आखिर इनके संबंध कैसे होते हैं, जो इन्हें इतना फायदा कैसे पहुंच जाता है। क्या वो तमाम आरोप सही हैं जो लगते हैं कि इनके पीएम मोदी से संबंध है, इनके मुकेश अंबानी से संबंध है? क्या ये तमाम आरोप सही हैं कि देश की जो सरकार है वो कुछ लोगों के लिए काम कर रही है या फिर कुछ लोग देश की सरकार चला रहे हैं? सोचने वाली बात है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब देखना यह है कि आखिर नीरव मोदी पर अब कितनी कार्रवाई होती है। आधी रकम जब्त कर ली है और आधी रकम होनी बाकी है। क्या नीरव मोदी वापस आएंगे या फिर देश के बाहर से ही अपना चिट्ठी वाला कबूतर भारत देश में भेजकर संदेश देते रहेंगे? अब देखते हैं कि आखिर नीरव मोदी मामले में और क्या कार्रवाई होती है और पुलिस और ईडी और कितनी छापेमारी करती है या पूरी रकम कैसे वसूल करती है या फिर नीरव मोदी खुद आकर ये रकम देंगे। तो बहरहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे इसी खास मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।